वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एनवायरनमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स के बारे में। 4th ऑफ जून 2020 को ये इंडेक्स रिलीज हो चुका है, तो इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि एनवायरनमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स क्या होता है, इसे कौन इशू करता है, कौन सी कंट्रीज ने इस इंडेक्स में अच्छा परफॉर्म किया है, इंडिया की इस इंडेक्स में क्या रैंकिंग है और ये इंडेक्स किस बेसिस पर इशू किया जाता है। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। एनवायरनमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स रैंक करता है कंट्रीज़ को ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस इन द फील्ड ऑफ एनवायरनमेंट, यानी कि कौन सी कंट्री एनवायरनमेंट के फील्ड में कितने अच्छे एफर्ट्स कर रही है एनवायरनमेंट के प्रोटेक्शन के लिए, कंजर्वेशन के लिए, उसी के बेसिस पर ये इंडेक्स कंट्रीज़ को रैंकिंग देता है। इस इंडेक्स को येल यूनिवर्सिटी एंड कोलंबिया यूनिवर्सिटी इशू करती हैं इन कोलैबोरेशन विद वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इस इंडेक्स से पहले एक और इंडेक्स आया करता था जिसको कहा जाता है एनवायरनमेंट सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स। ये कब से कब तक इशू होता था? फ्रॉम 1999 टू 2005। इस एनवायरनमेंट सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स को भी येल यूनिवर्सिटी एंड कोलंबिया यूनिवर्सिटी इशू करती थी इन कोलैबोरेशन विद वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ये एनवायरनमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स एक बाइनियल इंडेक्स है, इसका मतलब है कि यह हर 2 साल में इशू होता है। ये रैंक करता है टोटल 180 कंट्रीज़ को। एनवायरनमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स फर्स्टली इशू किया गया था, मतलब पहली बार कब इशू किया गया था? 2002 में। चलिए अब बात करते हैं कि EPI में सबसे टॉप पर कौन सी कंट्री थी। तो ये जो एनवायरनमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स है इसमें सबसे टॉप पर है डेनमार्क। ठीक है, ये कुछ सरप्राइजिंग बात नहीं है क्योंकि ये जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हैं डेनमार्क, स्वीडन, फिनलैंड, नॉर्वे, ये बहुत सारे इंडेक्स आप देखेंगे तो ये टॉप पर ही नज़र आएंगे आपको। ऑस्ट्रेलिया की रैंक है 13, UK की रैंक है 4, रशिया है 58 पे, चाइना है 120 पे, इंडिया है 168 पर। और इस इंडेक्स में लीस्ट पर यानी 188th रैंक पे जो कंट्री है उसका नाम है इंडिया की रैंकिंग इस इंडेक्स में है 168 आउट ऑफ 180। 2018 में इंडिया की रैंकिंग थी 177। तो अब देखने से ये लग रहा है कि इंडिया की रैंकिंग सुधरी है। हाँ, सुधरी तो है, लेकिन ये जो 168 रैंक है ना, ये भी बिलो एवरेज है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि क्या क्या कारण है जिसकी वजह से इंडिया की रैंकिंग इतनी बिलो एवरेज है इस इंडेक्स में। तो आप लोग देख सकते हैं कि वेस्ट मैनेजमेंट में, क्लाइमेट चेंज में, एग्रीकल्चर में, सैनिटेशन में, पॉल्यूशन इमिशंस में, बायोडाइवर्सिटी में, हैवी मेटल्स में, एयर क्वालिटी में, ये सब जो पैरामीटर्स हैं इनमें इंडिया की रैंकिंग 100 से ऊपर है। यही कारण है कि ऑल टोटल इंडिया की रैंकिंग क्या है, IUEN का एवरेज निकाला है तो 168। थोड़ी बहुत इंडिया की रैंकिंग इकोसिस्टम सर्विसेज में ठीक है, फिशरीज़ में अच्छी है, वाटर रिसोर्सेज में अच्छी है, लेकिन ऑल ओवर इंडिया की रैंकिंग ठीक नहीं है अगर इंडिविजुअल पैरामीटर्स पे देखा जाए तो भी। मैं आपको बता दूँ कि दुनिया में जो 10 मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज़ हैं उनमें से 7 जो हैं वो इंडिया में हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं गाज़ियाबाद, दिल्ली, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, बंदवारी एट्सेट्रा। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि इस इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग अच्छी नहीं है। अगर साउथ एशियन कंट्रीज़ की बात की जाए या फिर इंडिया के जो नेबर्स हैं जैसे भूटान, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, इनकी बात की जाए तो इंडिया इन सब से पीछे है। साउथ एशियन कंट्रीज़ में इंडिया की रैंकिंग है 7, इंडिया सिर्फ और सिर्फ अफ़गानिस्तान से आगे है। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं कि साउथ एशियन कंट्रीज़ में भी इंडिया की रैंकिंग अच्छी नहीं है। सो हमने देखा कि ओवरऑल इस इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग अच्छी नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सरकार काम नहीं कर रही है। इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्रोग्राम्स एंड स्कीम्स चलाए हैं इन्वायरमेंट के लिए, जैसे नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, नगर वन योजना, प्रोजेक्ट टाइगर एट्सेट्रा, लेकिन इस इंडेक्स की रैंकिंग ये दर्शाती है कि और ज्यादा एफर्ट्स की जरूरत। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल एंड बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।